देखिए राजस्थान के अजमेर में जिस बात का डर था वो बात आज साबित हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर के कलेक्ट्रेट के बाहर और यहाँ पर देखिए आप अजमेर शहर के तमाम पार्षदगण इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। पार्षद इस वक्त अजमेर के कलेक्ट्रेट के बाहर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वार्ड के अंदर बीएलओ के माध्यम से जो सूची बनाई गई थी उस सूची के तहत जिन लोगों को राशन मुहैया करा रहा था वो पर्याप्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर समझ में आ रही है तमाम पार्षद यहाँ पर आए हैं कि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों को ये हक है कि किस प्रकार से लोगों को मदद पहुँचाया जाए। इस वक्त मदद लोगों तक नहीं पहुँच रही है। बीजेपी के पार्षद नीरज जैन इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ आज, क्यों यहाँ पर आकर आप लोगों को करना पड़ रहा है? हम जिस प्रकार से अक्षय पात्र की योजना से जो खाना आ रहा था वो नगर निगम के द्वारा बंटवाया जा रहा था पार्षद वार्डों में, वो बंद कर दिया गया प्रशासन के कल बिना किसी सूचना के। उसके कारण से बहुसंख्या लोग भूखे कल रात को सोए। एक और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, दूसरी ओर प्रशासन इस प्रकार का निर्णय कर रहा है। इस प्रकार के निर्णय तुगलकी फरमान के कारण से, क्योंकि इनका ये कहना है कि बीएलओ द्वारा चिन्हित परिवार को राशन दे दिया गया है, बीपीएल का राशन हो गया, खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर राशन मिल गया है, लेकिन इनको ध्यान में नहीं है कि हर वार्ड में कम से कम 50% अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड चालू नहीं है, जिनके खाद्य सुरक्षा में राशन नहीं मिल रहा है, किसी योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं। ऐसे परिवारों को किस प्रकार से भोजन सामग्री उपलब्ध होगी? हमारे द्वारा जनता रसोई चला जा रही है, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हमारे द्वारा जगह जगह जनता को कंट्रोल किया जा रहा है, समझाइश कर रहे हैं, और प्रशासन इस प्रकार का निर्णय करके जनता के खिलाफ और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। देखिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप देखिए पुलिस कह रही है कि धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त नौरत गुजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ मुख्यमंत्री, आपकी सरकार आपकी? देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, पायलट साहब और रघु शर्मा जी सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सरकार की मंशा के विपरीत जिला प्रशासन जानबूझ करके केवल ऑफिस में बैठ करके, धरातल की स्थिति बहुत अलग है, लोग भूख मर रहे हैं। कल अचानक इन्होंने खाना बंद कर दिया, अक्षय पात्र के द्वारा खाना आ रहा था लेकिन कल इन्होंने बिना सूचना दिए खाना बंद कर दिया। लोग हमारे वो भूखे मर रहे हैं, कल से लोग बर्तन लेके घरों के बाहर खड़े थे और इन्होंने बिना सूचना दिए खाना बंद कर दिया। और केवल बीएलओ के भरोसे हम वार्ड को नहीं छोड़ सकते, हमारे को सरकार ने चुना है। इस कोरोना वायरस की आड़ में प्रशासन तानाशाही नहीं करे, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम इस महामारी में सरकार के साथ है, सरकार की मंशा का पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये इसका गलत फायदा उठा रहे कोरोना वायरस की महामारी का, और प्रशासन तानाशाही कर रहा है, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब कितने पार्षद इस वक्त यहाँ पर मौजूद? पूरे करीब 60 पार्षद है सभी वार्डों के, अजमेर नगर निगम के जो सभी कांग्रेस और बीजेपी सभी के पार्षद यहाँ पर 60 पार्षद इकट्ठे हैं, और हम जनता के किसी भी सूरत में उनको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इस जनता के हित में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना वायरस की आड़ में दादागिरी नहीं कर सकता प्रशासन। देखिए जनता के हित में लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आपको मैं तस्वीर, एक दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पर आइए आप, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जितने भी पार्षद हैं वो सारे के सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर देखिए, फुटपाथ के ऊपर पार्षदों को बैठना पड़ रहा है। हम लगातार 2 दिन से ये खबर चला रहे हैं कि पार्षदों के जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों के अंदर ये तस्वीर देखने में आ रही है कि वहाँ पर लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा है और उसका खामियाजा पार्षदों को भुगतना पड़ रहा है, पार्षदों को विरोध झेलना पड़ रहा है। और उस विरोध की ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तमाम 60 के 60 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से बनाई गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा है, राशन नहीं पहुँच रहा है, और अगर यही व्यवस्था चालू रही तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग अजमेर के ऐसे हैं जिनके पास तक खाना नहीं पहुंचेगा, भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना महामारी बहुत दूर की बात है। एमटीटीवी इंडिया 2 दिन से लगातार ये सवाल उठाता आ रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पर जो व्यवस्था अजमेर के डीएम के माध्यम से दी गई है उस व्यवस्था के जरिए लोगों तक राशन पहुँचना बहुत मुश्किल है। स्वयंसेवी संस्थाएं जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से राशन बांट रही थी, लेकिन डीएम का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ और उसके बाद से अब स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी राशन बांटना बंद कर दिया है, केवल चिन्हित लोगों तक राशन पहुँचा रही है। और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए कि पहली बार पूरे राजस्थान में इस कोरोना महामारी के दौर में अजमेर के 60 के 60 पार्षदों को यहाँ पर इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराना पड़ा है। इस तस्वीर की उम्मीद
कल से बनी हुई थी, क्योंकि एनपीटीवी इंडिया लगातार सवाल उठा रहा था, कई तरीके के सवाल हम कर रहे थे कि आखिरकार इस व्यवस्था में कैसे लोगों तक खाना पहुंचेगा, कैसे राशन पहुंचेगा। और क्योंकि इस साल निगम के चुनाव हैं और निगम के चुनाव में जो पार्षद है जिन्होंने 4.5 साल तक काम किया, उस काम का खामियाजा ये कोरोना महामारी में इन पार्षदों को भुगतना पड़ जाएगा। और इसीलिए पार्षद अब एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं, लगातार आए हैं। कांग्रेस के भी पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, और पार्षद जो दोनों दलों के पार्षद, उनका कहना है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोरोना महामारी में अपने लोगों के बारे में पता होता है, अपने वार्ड की स्थिति उनको पता होती है। ये कैसे संभव है कि कोई बीएलओ जो दूसरे इलाके में रहता है वो आपके इलाके में आए और आपके इलाके में इनके वार्ड में आकर चिन्हित कर ले लोगों को कि ये गरीब है या नहीं है, इसके घर में राशन है या नहीं है। वार्ड पार्षदों का ये भी कहना है कि उनके इलाके के अंदर उन्हें पता है कि कौन कौन से परिवार ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग के परिवार हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद ललित वर्मा है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपके वार्ड में क्या स्थिति है और क्यों आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? एक्चुअली क्या है सुशील सर, जो है प्रशासन जो है जिस तरह से जो है पार्षद और जो है वहाँ के भामाशाह मिलकर जिस तरह से जो है जो नीडी लोग थे उनको जो खाना पहुँचा रहे थे, कल से जो है कलेक्टर की तरफ से जो है आदेश जारी हुए हैं कि जो है उनको इस तरह से नहीं पहुँचाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आई है कि हम तो चाहते हैं कि मतलब जो है प्रशासन खुद जाके जो है उस वाली चीज़ का निवारण कर दे। अब इन्होंने अपने बीएलओस की टीम बनाई और उन बीएलओस ने जो है मुझे ना तो मुझे जानकारी है और ना वार्ड में कुछ ज़्यादा लोगों को जानकारी है जो वाकई में वार्ड की जानकारी रखते हैं, जो उनको ये बता सकें कि ये पर्टिकुलर फैमिली जो है नीडी है और इसको जो है राशन की ज़रूरत है। इन बीएलओस ने अपने लेवल पर जो है इसका सर्वे किया, अपने लेवल पर जो है अपने चहेते लोग जो थे उनका नाम लिखा और प्रशासन को दे दिया। और इस फेक मतलब जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस प्रशासन ने ये मान लिया कि जो है वहाँ पर जितने भी नीडी लोग हैं उनको जो है हम लोगों ने सामान पहुँचा दिया है और अब वहाँ पर पैकेट से या खाना बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ के कारण जो है इस तरह का आक्रोश हुआ है, क्योंकि जो नीडी है, जो वाकई में गरीब है, जो इस चीज़ के लिए मतलब डेली उनको फूड की ज़रूरत है, वो लोग जो है अब हम लोग के पास आ रहे हैं। अब हमारे पास भी जवाब नहीं बनता, क्योंकि जो निगम से जो है अक्षय पात्र के थ्रू जो है हम लोग को जो खाना मिल रहा था, कल से इन्होंने इस आधार पर बंद कर दिया कि सर्वे के आधार पर सब गरीब लोगों को खाना पहुंच चुका है। तो ये वाली समस्या उत्पन्न हो गई है। अब हम लोग भी जो है पार्षद हैं और हम जो इस हम तो चाहते हैं कि जो है हम इनके सहायक बन काम कर रहे हैं और ना जो है पार्षदों को काम करना देता है। चलिए, बहुत बड़ी समस्या पार्षदों के बीच आ रही है। आपको बता दूं, राजस्थान से इकलौता अजमेर शहर ऐसा है जहां पर पार्षदों को इस तरीके से आकर विरोध दर्ज करना पड़ रहा है, यहां पर सड़कों पर आकर बैठना पड़ रहा है। अनीश मोहल है बीजेपी के, हमारी लगातार इनसे भी बातचीत हो रही है, इनके माध्यम से भी हम जानकारी लगातार ले रहे हैं, पुलिस समझाइश कर रही है पार्षदों से। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों को समस्या क्या आ रही है? बीएलओ वाकई बीएलओ ने जो लिस्ट दी है वो लिस्ट के मुताबिक आपके वार्ड में राशन नहीं पहुंच रहा है क्या? लिस्ट जो दी है वो लिस्ट ही गलत है, क्योंकि उस लिस्ट का जो सर्वे है वो सही हुआ ही नहीं है। उसमें ऐसे लोगों को राशन मिल गया है जो अपात्र हैं और जो पात्र व्यक्ति उनको राशन नहीं मिला। कई बीएलओ ने घर पे फोन पे इतिश्री कर ली और कई बीएलओ ने क्या किया कि है ना लिख के दे दिया रिक्वायरमेंट वाले वार्ड में भी बिना घूमे कि यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल का और बताइए, मुझे जवाब दीजिए, 4.5 साल में जो आप लोगों ने काम किया, क्या ये कोरोना महामारी उस काम को खत्म कर देगी? ये देखिए, ये हम 4.5 साल जो हम लोगों ने काम किया, जो जनता की सेवा करी, वो एक जगह है और ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है ये एक जगह, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। प्लस दूसरी चीज है कि वार्ड के अंदर जिसको जो रिक्वायरमेंट है सभी पार्षद अपने दिलो जान लगा के इसके अंदर सेवा में लगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये वाक्य कह रहा हूँ, मेरी बात को आप कोट कर लीजिए कि अगर भामाशाह और पार्षद अपने अपने वार्ड में खाने की व्यवस्था को नहीं संभालते तो वो सारे भूखे लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर होते, क्योंकि प्रशासन द्वारा आज तक कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। और इवन डीएसओ द्वारा जो खाना बंटवाया जा रहा है वो भी भामाशाह द्वारा बनाया हुआ खाना ही बांटा जा रहा है, प्रशासन द्वारा खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं। और ये बिना कल जो तुगलकी फरमान जारी हुआ जिसमें बिना पूछे, बिना जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लिए कल खाना एकदम से बंद हुआ, जब इनसे व्यवस्था नहीं संभल रही थी तब हमारे मेयर साहब को बुलाया गया, मेयर साहब को बुला के उनको कॉन्फिडेंस में लिया, फिर मेयर साहब ने पूरे 60 वार्डों की व्यवस्था संभाली पार्षदों के साथ टीम बना के। जब व्यवस्था नहीं संभल रही थी तब हमको बुलाया, अचानक से हमको बिना कॉन्फिडेंस में लिए बंद कर दिया। फ्रंट फुट पे तो हम लोग हैं, फेस तो हमारे, हमको फेस करना है। और इवन हमारे सभी पार्षद भाइयों के ऊपर झूठे झूठे आरोप लग रहे हैं कि हमने हमारे लोगों को उपकृत कर दिया और जो मेन जो मिलने वाले व्यक्ति, हमको तो पता ही नहीं था कब बीएलओ ने सूची बनाई और कब सौंप दी। तो ब्यूरोक्रेट्स पार्षदों को नजरअंदाज कर रहा है, चुनाव है इस वक्त। काकू है हमारे साथ, कांग्रेस के पार्षद हैं, मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है? कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जानकारी हमारे जो शहर अध्यक्ष है उन्होंने पूछा दी है। उन्होंने ये कहा कि जो अक्षय पात्र का जो खाना आता था ठीक है, हमें थोड़ा बहुत उससे सहारा मिल रहा था,
आज वार्ड में हम फेस कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि जनता, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे भूखी नहीं सोएगी, DSO साहब क्या कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के हर योजना इम्प्लीमेंट करो, आप धरातल पे जाके तो देखो, आपने जिन जिन BLO को लगाया, आधे BLO को तो ये जानकारी नहीं है। BLO वार्ड में आए, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ BPL वालों के नाम लिख रहे हैं, अरे आप करना क्या चाहते हो, शहर की जनता को भूखा सुलाना चाहते हो। अगर आज अगर भामाशाह जिंदा नहीं होते तो आपको मालूम चलता प्रशासन को कि पब्लिक कैसे रह रही है। 21 दिन हमने लॉकडाउन में सरकार का सबका साथ दिया, प्रशासन का भी साथ दिया, आज तक अगर कोई शिकायत आई तो आज मजबूरी के कारण हमें यह रोड पे आना पड़ा, कलेक्टर के पास आना पड़ा, वो इस कारण आना हुआ कि आज हम पब्लिक के लिए क्या करें, आज पब्लिक भूखी है, आज पब्लिक को फेस हम कर रहे हैं। आज अगर हम भामाशाहों की वजह से आज हमने रसोई चालू कर रखी है, 300 आदमियों का सुबह खाना बनता थी। सुशील जी आप जानते हो मेरे वार्ड को, पूरा कच्ची बस्ती है, तीन तीन कच्ची बस्ती, डोली बस्ती, बागरी बस्ती, मलू सरोल, सारे मजदूर तबके के लोग हैं। आपने कितने को चयनित किया जी, हैं आपने कितने को चयनित किया, कितने के घर खाना पहुंचा है? कल आपने अचानक 40 आदमियों का मेरे वार्ड में खाना आ रहा है, 40 आदमियों का, फिर भी हम ठीक ठीक है, हम संभाल रहे हैं उसको, हम संभाल रहे हैं। आप हमें 2 दिन पहले सूचित करते कि हम ये कर रहे हैं, आपने यहाँ बैठ के तुगलकली फरमान जारी कर दिया, पार्षद को बिगड़ बताए जाने चालू कर दे। अगर भामाशाह और पार्षद अगर आज अगर वार्डो में काम नहीं करते तो इनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। देखिए कैबिनेट की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है और वहाँ पर इस जो पार्षदों का विरोध, राजस्थान से इकलौता अजमेर शहर है जहाँ पर पार्षदों को आकर धरना करना पड़ रहा है कोरोना महामारी के दौरान, इसका जिक्र भी उस बैठक के अंदर होगा। बातें तय होंगी, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारियां तय होंगी कि आखिरकार कहाँ पर लापरवाहियां रह गई हैं। DSO स्तर पर लगातार 3 दिन से हम खबर दिखा रहे हैं TV इंडिया के ऊपर कि कितनी बड़ी लापरवाहियां यहां पर हो रही हैं। लोगों के पास तक राशन नहीं पहुंच रहा है, कुछ चिन्हित लोगों तक ही, परिवारन भी नहीं, सिर्फ कुछ चिन्हित लोगों तक राशन पहुंच रहा है, लेकिन बहुत सारे इस वक्त ऐसे मजदूर परिवार हैं जिनको राशन की इस वक्त जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत Day 1 से ये फैसला कर चुके थे, निर्देशित कर चुके थे कि हर कोई भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए, हर किसी के पास राशन पहुंचना चाहिए। और Day 1 से MTV इंडिया लगातार ये दिखा रहा है कि राजस्थान में कौन कौन सी स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को खाना मुहैया करा रही है, राशन मुहैया करा रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कल से ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने राशन जो है वो चिन्हित लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद में जैसे ही तस्वीर बदली, ये तस्वीर आपके सामने है कि पार्षदों को यहाँ पर आकर विरोध दर्ज करना पड़ रहा है फुटपाथ के ऊपर। इस बार देखिए आपकी बैठे हुए हैं तमाम पार्षद, 60 के 60 पार्षद हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों के ही पार्षद हैं। आरोप ये भी है कि प्रशासनिक अमले ने उनको नज़रअंदाज किया है, और सबसे बड़ी बात है आने वाले समय में इसी साल निगम के चुनाव होने हैं, और उस निगम के चुनाव के अंदर जो खामियाजा है वो प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं, इन्हीं पार्षदों को भुगतना है, क्योंकि 4.5 साल तक जो इन्होंने काम किया है वो काम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाएगा इस कोरोना महामारी में। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्षदों का जो विरोध है उसके बाद प्रशासनिक अमले में कोई ऐसा आदेश आएगा मुख्यमंत्री की ओर से जो पार्षदों को राहत दी जाए, और जो लोग, जो तमाम अजमेर के जो लोग हैं जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं, मजदूर परिवार हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको राहत कब मिलती है। MTV इंडिया पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे कि पल पल की हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, लेकिन अभी तक की जानकारी में केवल इतना ही। देखते रहिए MTV इंडिया।